दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स ने अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं कि 10,000 के प्राइस रेंज में अच्छा स्मार्टफोन कौन सा है। आपके लिए आपका भाई इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं टेक स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फटाफट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको पहला फोन किस लिए चाहिए? आपको फॉर एग्जांपल मेरा देखिए तो मुझे फोन चाहिए यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए और उसे थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के लिए। कुछ लोगों का प्रायोरिटी है सेल्फी लेने के लिए, उनका प्रायोरिटी कैमरा है, कुछ लोगों का प्रायोरिटी गेमिंग है और कुछ लोगों का प्रायोरिटी है दिखने की शानदार स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए उन लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी सी बात है दोस्तों, फर्स्ट आप समझना होगा आपको फोन किस लिए चाहिए। आपको किस लिए फोन चाहिए फर्स्ट आप वो समझेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग फोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप समझ चुके हैं आपको फोन किस लिए चाहिए, तो आपके लिए आपका भाई इस वीडियो में चार ऐसे स्मार्टफोन्स लेके आया, तो आपके प्रायोरिटी के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे लिस्ट में चौथा स्थान पर आता है सैमसंग गैलेक्सी M10। अगर आप 10,000 के प्राइस रेंज में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, अगर आपको सैमसंग की तरफ से 10,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए, दिखने को इन्फिनिटी वी डिस्प्ले वाला शानदार स्मार्टफोन चाहिए, तो इस स्मार्टफोन आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों, हमारे तीसरे स्थान पर Asus की तरफ से Asus Zenfone Max M2। ये Max Pro M2 नहीं है दोस्तों, Max M2 है। ये दिखने को बहुत शानदार है और परफॉर्मेंस में भी बहुत आगे है दोस्तों। इस फोन को आप गेमिंग और स्टाइल के लिए जरूर ले सकते हो। आपका प्रायोरिटी गेमिंग है और आपको अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो Asus की तरफ से Asus Zenfone Max M2 जरूर से ले सकते हो। इसमें आप हमारे सेकंड प्लेस में आने वाला है सेल्फी लवर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सेल्फी लेना बहुत अच्छा लगता है, आप सेल्फी लवर्स है, तो इस फोन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मैं बात करने वाला हूँ रेडमी की तरफ से रेडमी Y2। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की AI सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप डेप्थ फोटोज, बोके इफेक्ट फोटोज, ब्लर इफेक्ट इजी से क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सेल्फी कैमरा इस प्राइस रेंज में बहुत ही गजब का है दोस्तों। हमारे पहला स्थान पर Asus की तरफ से Asus Zenfone Max Pro M1। ये पिछले साल का फोन है दोस्तों, लेकिन अभी भी इस प्राइस रेंज में इसे टक्कर देने वाला कोई और स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि ये स्मार्टफोन Redmi Note 5 Pro को टक्कर देने के लिए Asus ने इंडिया में लॉन्च किया था। ये करीब 90% तक Redmi Note 5 Pro को टक्कर दिया था। 10 कैमरा के मामले में थोड़ा बहुत वीक था Redmi Note 5 Pro से, लेकिन अब इसे अपडेट आने के बाद ये इसका कैमरा भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है दोस्तों। इसमें फिलहाल के लिए Android Pie का अपडेट भी आ चुका है। अब तक भी Redmi Note 5 Pro में Android Pie का अपडेट नहीं आया है दोस्तों।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।